स्नान पूर्णिमा ठारु अणसर घरे थिपा चतुर्था मूर्ति गतकाली दशमी तिथि सज्जा छाड़िछन्ते। अणसर घरे चकारे विजे होइछन्ती श्री विग्रह। आज खड़ी लगी एकादशी। राजवैद्यंक द्वारा प्रस्तुत होइथिपा दशमूल सेवन पर महाप्रभु संपूर्ण सुस्थ हेबे। तेबे चारि दिन धरि श्रीअंगे ओष लागी परे धीरे धीरे ज्वररु उपशम होइछन्ती महाप्रभु। आज एकादशी तिथि महाप्रभुक दशमूल मोदक लागी करा जिबो। एहा परे असुस्थ थिबा महाप्रभु संपूर्ण सुस्थ हेबे। गतकाली राजवैद्यंक द्वारा प्रस्तुत होइथिबा एही दशमूल मोदक श्रीमंदिर आसी पहुँचिथिला। एकादशी तिथि परे महाप्रभुंकु एहा लागी करा जिबार परंपरा रहिछि। आज खड़ी लगी एकादशी ठाकुर मानू खड़ी लगी दईता एवं पति महापात्र सेवायत तीन बाड़े श्रीअंगे चंदन लेपन करेंगे। चंदन में कर्पूर केशर एवं आवश्यक परिमाण कस्तूरी मिशा जा श्री विग्रह मानू लगी विधि रही। आज महाप्रभु बार लगी पाट परिधान करने सहित तुलसी लगी महाप्रभु को दशमूल लगी। एहापरे महाप्रभु संपूर्ण सुस्थ हेबे। तेबे महाप्रभु ज्वर से असुस्थ थिबारु भोग लागी समय रे घंट बाजिबा बंद रही थाए। आज खड़ी लगी समय रे घंट एवं कहाली बजाई श्रीजीव माने सुस्थ हेउथिबा वार्ता भक्त को जणाइबार परंपरा रही। एकादशी तिथि पूर्वरु बिना तुलसी रे धळा फूल रे पूजा पाउथिबा महाप्रभु को आज ठारु तुलसी लागी हेबार विधि रही। आसंता काली अणसर द्वादशी नीति। एही नीति विशेष महत्वपूर्ण कारण एही दिन राजनर को राजप्रसाद विजे करा जाए एवं महाप्रभु को सुस्थतार खबर गजपति महाराजा को दिया जाए। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।